नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका खूब खूब स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रियंका चोपड़ा, जो भारतीय अभिनेत्री हैं, जिसने निक जोनस से विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है, जो अमेरिका के एक सिंगर हैं, उनके साथ विवाह किया है। उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई और प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्री उन्हें लाइफ पार्टनर के रूप में प्राप्त हुई। तो मित्रों, बात करते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं। मित्रों, इनकी जन्म कुंडली में पहला तो सबसे बड़ा जो राजयोग है, बुध के द्वारा निर्मित होता है और भद्र योग कहलाता है, जो कि एक पंच महापुरुष योग भी कहलाता है। उसके बाद में इनकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग है। उसके बाद इनकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग भी हैं, तो प्रेम विवाह के योग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मित्रों देखिए, इनकी जन्म कुंडली जो मिथुन लग्न की है, और मिथुन लग्न यानी तीन नंबर जो लिखा है लग्न में, वो मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। इनकी जन्म कुंडली में बुध जो है वो कन्या राशि में बैठे हैं, जहाँ 6 नंबर लिखा है वो कन्या राशि है, और कन्या राशि में बुध बैठे हैं। कन्या राशि बुध की स्वयं की राशि है और कन्या राशि में बुध जो है वो उच्च के भी होते हैं। तो इसी तरह बुध अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होकर केंद्र भाव में बैठे हैं, स्वयं की राशि के होकर केंद्र भाव में बैठे हैं, इसी वजह से भद्र योग बनता है और भद्र योग एक पंच महापुरुष योग है। मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में भद्र योग होता है वे कम उम्र में कामयाबी प्राप्त करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अच्छे राइटर होते हैं, अच्छे सिंगर होते हैं, अच्छे एक्टर होते हैं, या तक कि ये अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि विपरीत राजयोग, जो जन्म कुंडली में 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, जहाँ पर 8 नंबर, 10 नंबर और 2 नंबर लिखा है, वो जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 भाव हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है आपको कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होता है, तो ऐसे में जो योग बनता है वो विपरीत राजयोग बनता है, और विपरीत राजयोग के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। तो इनकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि 8वें भाव का स्वामी जहाँ मकर राशि है, 10 नंबर लिखा है, और 10 नंबर का स्वामी होता है शनि। और शनि जो है अपने स्वयं के घर में बैठा है, स्वयं अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव का मालिक होकर अष्टम भाव में विराजमान है। अगर वो 6ठे भाव में विराजमान होता है या 12वें भाव में विराजमान होता तो भी ये योग बनता, क्योंकि 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में हो तो ऐसे में विपरीत राजयोग बनता है। पर ये जो राजयोग है वो बहुत ही असरकारक राजयोग है, क्योंकि शनि जो है अपने स्वयं की राशि में, स्वयं के भाव में बैठा है। तो इनकी जन्म कुंडली में भी विपरीत राजयोग है और विपरीत राजयोग ने इन्हें अचानक सफलता प्राप्त करवाई है। अब बात करते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में विवाह के योग, प्रेम के योग किस तरह बन रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली में जब लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश की युति होती है, जन्म कुंडली में जब लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश की युति होती है, किसी तरह से संबंध होता है, चाहे वो दृष्टि संबंध है या एक साथ में बैठे हैं या एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में जो योग बनता है वो प्रेम विवाह का योग बनता है, प्रेम का योग बनता है। तो देखिए, इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश बुध है और पंचमेश शुक्र है और सप्तमेश गुरु है। तो गुरु, शुक्र और बुध तीनों एक साथ विराजमान हैं, तीनों का एक साथ विराजमान होना इनके जीवन में प्रेम विवाह के योग बनाता है। तो इसी तरह इनका जो है प्रेम विवाह हुआ। अब बात करते हैं अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ जो इनका रिश्ता है इसके बारे में। अगर सप्तम भाव में राहु और बृहस्पति का संयोग होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ रिश्ता बनाता है। अब देखिए, सप्तम भाव में जो 9 नंबर राशि है वो बृहस्पति की राशि है, धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति, और फिर सप्तम भाव में राहु विराजमान है, इसी वजह से इनका जो
विवाह हुआ, प्रेम विवाह हुआ, वो इनसे बड़ी उम्र की महिला के साथ हुआ। इसके अलावा इनकी जन्म कुंडली में एक नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। नीच भंग राजयोग किस तरह है कि शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठते हैं और उस राशि का स्वामी उसके साथ विराजमान होता है तो ऐसे में नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे कि शुक्र जो है वो कन्या राशि में विराजमान है और कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, तो और बुध जो है कन्या राशि के स्वामी है, तो इस तरह शुक्र और बुध का जो संबंध हुआ वो इनकी जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग घटित करता है। तो नीच भंग राजयोग भी एक बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है। सभी सुखों को सुख भाव में ये योग बन रहा है तो सभी सुखों को प्रदान करने वाला ये योग होता है। और मित्रों, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि व्यक्ति का विवाह कब होगा, जन्म कुंडली से ये किस प्रकार देखेंगे। तो मित्रों, मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में सप्तमेश, अष्टमेश और एकादश भाव के स्वामी की अगर दशा महादशा चल रही है या फिर इनमें बैठे ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो ऐसे में जीवन में विवाह का सुख मिलने वाला होता है। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि इनकी दशा जो है वो 2018 से 2020 तक चंद्र की महादशा चल रही है और चंद्र के अंतर्गत शनि की दशा चल रही है और शनि जो है इनके अष्टम भाव का स्वामी है, इनकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और चंद्रमा जो है वो एकादश भाव में बैठा है। तो इस तरह जो है ज्योतिष जो है वह अपने आप को सत्य साबित करती है। तो मित्रों, इस तरह मैंने इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल शर्मा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अवश्य जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।